तो भाई हम वाइपर और ये मल्टीलैप परचेज कर कर ले आए। तो पहले इसकी पैकिंग कुछ अलग सी आती थी, उनको पीछे से खोलना पड़ता था, ऊपर अलग से। इनके पीछे होता है लॉक और वो लॉक ऐसा आपको दबाना, बहुत छोटा सा होता है। वाइपर ब्लेड इंस्टॉल करने से पहले ये जो फ्रेम है आप उसको देख लेना। इसका जी अगर मैं आपको साइज दिखाऊं, दे दो कितना फर्क है इसके अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF Explore। दोस्तों मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, पुरानी कार इनसे इसकी एक या दो साल पुरानी है, तीन साल पुरानी है, और काम इसलिए आने वाली है अगर आपके यहाँ पे हो रही है बेमौसम बरसात, जैसे दिल्ली के अंदर हो रही है अभी सितंबर के अंदर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि मानसून का मौसम जा चुका है। और मेरी कार के जो इसके वाइपर है वो बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब तो नहीं है लेकिन अगर मैं इनको यूज करता हूँ तो पानी को ये अच्छे से नहीं हटाते हैं, जिससे कि नाइट में मुझे होती है दिक्कत। अगर आपके पास कोई भी कार है और उसके वाइपर अगर खराब है तो भाई उनको बदलवा लो, क्योंकि रोड पे जब रात में चलते तो दिखता नहीं और उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी वीडियो देखता है उसका ऐसा कुछ हो। तो मैं इसके वाइपर लेने जा रहा हूँ, फ्रेमलेस वाइपर लगवाने, किस कंपनी के मिलेंगे वो देखूंगा अच्छी क्वालिटी में। और वैसे मेरी प्रेफरेंस है एक कंपनी के साथ, अगर वो अच्छा मिल गया मुझे इसके लिए ही तो वो ले लेंगे, नहीं तो किसी और अदर ब्रांड का ट्राई करेंगे। बाकी इसके वाइपर भी खराब है, दूसरा ना इसके मड फ्लैप भी खराब है। तो अब यहाँ पे होने वाला है थोड़ा सा खर्चा, थोड़ा सा मतलब कि 1000 के अंदर ही होगा, वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, बट देखते हैं कितने रुपए के वाइपर आएंगे और कितने रुपए के इसके मड फ्लैप आएंगे। लेकिन आज जो ये वाली वीडियो रहने वाली कम्प्लीटली वाइपर्स के लिए डेडिकेटेड रहने वाली है, तो अब यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी से चलते अपने घर के पास वाली कार मार्केट में और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो भाई हम वाइपर और ये मल्टीलैप परचेज कर ले आए। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं इन वाले वाइपर के जो ब्लेड है उनको रिप्लेस करके दूसरे वाइपर ब्लेड लगा लूं, लेकिन वो मुझे इतने रिलायबल नहीं लगता है और ये जंग भी खा रहा था और पुराने भी थे और मुझे पर्सनली ये वाले वाइपर नहीं पसंद। और जब से मैंने इनको यूज़ करा अपनी KUV में, तब से यार मेरी मतलब जो प्रेफरेंस है बिल्कुल चेंज हो गई है। फ्रेम वाले वाइपर मुझे पसंद नहीं आते, एक तो ये खराब नहीं होते बहुत जल्दी, अभी भी उनका रिस्पांस ऐसा है कि जब भी मैं उनको यूज करता हूँ तो एकदम पानी साफ ही कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने अगेन बॉश वाले ही परचेज करा है, जो मैं भी आपको स्टार्टिंग बता रहा था कि एक ब्रांड मुझे पसंद है तो वो यही वाला था। और भी सारे मैंने देखे लेकिन वो मुझे ज्यादा रिलायबल नहीं लगे, उन ब्रांड्स का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। बाकी ये तो मैं लेकर आ गया, इनकी प्राइस की बात करेंगे वीडियो के एंड में। और अब इसको करते हैं अनबॉक्स, और अनबॉक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले इसकी पैकिंग अलग आती थी और अब इसकी पैकिंग अलग आने लगी है। सो अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। सो सबसे पहले तो अपने मड फ्लैप को ही देख लेते हैं कि इसमें आया क्या। मैंने भी अभी तक इनको खोल के नहीं देखा, बिल्कुल पैक हो रखे हैं। इनमें एक साइड लेफ्ट राइट का होगा और दूसरा भी लेफ्ट राइट का ही होगा, और क्वालिटी ठीक है, प्लास्टिक वाले हैं और 300 रुपये में मिल गए। मुझे लग रहा था यार 500-600 रुपये के आएंगे, बट सस्ते मिल गए, ठीक है। तो इनको तो बाद में देखेंगे, इनको रखते हैं अभी साइड में और बात करते हैं अपने इन वाले वाइपर्स की। तो पहले इसकी पैकिंग कुछ अलग सी आती थी, उनको पीछे से खोलना पड़ता था, ऊपर अलग सा, मतलब आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई तो आप समझ गए होंगे। तो इसको पहले यहाँ से खोलना है। इसके अंदर से निकलता है कुछ इस तरीके का वाइपर, फ्रेमलेस वाइपर, और ये 20 इंचेस वाले हैं। डस्टर अगर आपके पास है तो आपकी वाली डस्टर के अंदर 20-20 इंचेस वाले दोनों साइड में लगेंगे, और दूसरा वाला भी 20 इंचेस का ही है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं, और कुछ तो नहीं है। तो ये हो गया पूरा का पूरा खाली, इसके अंदर ना तो कोई मैनुअल है ना कुछ है। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। बाकी अगर इसकी भी बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे ये ब्लेड किस तरीके से बनाया, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे है, और इस वाली साइड में कि कितने इंचेस का है, किस तरीके से काम करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है कि जिस तरीके से ये लगेगा वो कैसा दिखने वाला है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बढ़िया वाली, कि इसके अंदर अब ये कवर आने लगा है, पहले ये कवर नहीं आता था तो निकलने का डर रहता था, हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको इसका ये वाला कवर निकालना है और फिर यहाँ से इसको लगाना है। तो इसको लगाने से पहले जो मेरी डस्टर में वाइपर लगे हुए हैं उनको रिमूव कर लेता हूं और उनकी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं। सो ये रहे मेरे वाइपर ब्लेड जो कार के साथ लगे हुए हैं, और पहले इसको रिमूव कर लेता हूं। रिमूव ये बहुत इजीली हो जाते हैं क्योंकि इनके पीछे होता है लॉक और वो लॉक ऐसा आपको दबाना है, बहुत छोटा सा होता है, और फिर इसको आप नीचे की साइड में दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो कितना आराम से निकल गया। इसको निकालते हैं बाहर पहले। सो ये अपने वाइपर, ये किस कंपनी के हैं, ये मिंडा के हैं, और ये पता नहीं क्या यार सफाई क्यों नहीं कर रहे थे। वाइपर ब्लेड इंस्टॉल करने से पहले ये जो फ्रेम है आप उसको देख लेना, और ये बहुत इजीली लग जाता है। ये देखो हो गया फिट यहाँ पे, और ये यहाँ पे लग जाएगा लॉक। अब ये हो चुका है बिल्कुल फाइनल, रेडी टू यूज, और इसके अंदर जो लॉक था वो भी लग गया। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, अब दूसरे वाले वाइपर को भी लगा लेते हैं। सो ये रहा अपना दूसरा वाला वाइपर, और पहले इसको निकाल लेते हैं। ये इसमें छोटा है, दूसरी साइड में बड़ा है,
और ये जिस भाई की पहले थी उन्होंने हरकत करी होगी पक्का, क्योंकि इसके साइज मिलते नहीं है। 20 इंच बड़ी मुश्किलों से मिला है मुझे 3-4 दुकानों पे घूमने के बाद। तो ये भी निकल गया है यहाँ पे। वैसे मिंडा भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, लेकिन ये अच्छे से वर्क क्यों नहीं कर रहा मुझे समझ में नहीं आया। और ये साइज़ भी प्रॉपर नहीं है, छोटा उस वाली साइड में बड़ा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, नहीं तो ये अगर मैंने छोड़ा तो शीशे पे निशान मार सकता है, वैसे कन्फर्म नहीं है मुझे। तो ये इसका पहले लॉक हटाया और अगेन इसको यहाँ पे रखना है इस तरीके से। और ये गया लग, और यहाँ पे ये रहा इसका लॉक। अब ये हो गया यहाँ पे फाइनल। अब ये देखो कितना मतलब इस चीज़ को कवर कर रहा है। ये छोटा है, मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये देखो यहाँ पे इसको रखा मैंने और ये कितना छोटा है। ये जब ही पूरे इस वाले पार्ट को कवर नहीं कर रहा था, और अंदर से भी जो विजिबिलिटी थी पूरी क्लियर नहीं हो पा रही थी। मैं आपको दूसरा वाला वाइपर दिखाता हूँ, जो दूसरी वाली साइड में था ड्राइवर साइड में, वो ये वाला था। इसका भी अगर मैं आपको साइज दिखाऊँ तो ये देखो कितना फर्क है इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा और ये कितना छोटा है। ये जिस भी भाई ने लगाए थे सही तरीके से नहीं लगाए। और ये वाला भी जो वाइपर है ये मुझे लग रहा है इससे भी छोटा है। नहीं, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर 20 इंचेस वाला है, लेकिन आई थिंक ये वाला जो है ये 17 या 18 इंचेस का होगा। बाकी वाइपर तो मैंने लगा दिया, अब एक बार मैं आपको इनको चला के दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसे व्यू आ रहा है। अभी भी हल्का हल्का इसके ऊपर पानी, और देखना कितने अच्छे से इसको साफ कर देगा। तो कार के अंदर चलता हूँ मैं। सो अभी देखो आपको यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी, और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी जब मैं बाहर चल रहा था, मतलब जब मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था। सो ये देखो यहाँ पे एकदम क्लियर। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो। अच्छा, पानी भी नहीं निकल रहा। ओह, वाइपर ब्लेड रखे हुए, पानी बाहर नहीं आया। ये देखो बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर। इसीलिए मुझे ये वाले फ्रेमलेस वाइपर पसंद आते हैं। यहाँ पे ये देखो पूरे मिरर को ये अच्छे से कवर कर रहे हैं, और उस वाली साइड का पहले वाइपर आपने देखा था छोटा था। सो अब ये देखो कितने बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वैसी मुझे मिल गई है। सो अब ये देखो यहाँ पे वाले वाइपरों ने कितने अच्छे तरीके से इसको साफ कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देखो। और पहले इसमें पानी रह जाता था, वो पुराने वाले जब वाइपर थे, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी तो ठीक है, वो या तो बहुत ज़्यादा पुराने थे या पता नहीं उनमें क्या दिक्कत थी, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे या फिर प्रॉपर साइज़ नहीं था। बट यहाँ का तो साइज़ बिल्कुल ठीक था, क्यों साफ़ नहीं कर रहा था वो मुझे समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि वो वाइपर काफ़ी पुराने हो, लेकिन मिंडा कहते हैं इसका मतलब उनकी क्वालिटी ठीक थी, जंग वगैरह उसमें नहीं लगी थी। नहीं, मैंने देखा है कि फ्रेम में भी जंग लग जाती है। तो आप ये चीज़ चेंज कर सकते हैं, और इस तरीके से फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी, और प्रॉपर साइज़ के ही लगाना, अनइवन मत लगाना। और अगर साइज़ नहीं मिल रहा है तो कोशिश करना कि उस वाली साइड का सही हो। इस वाली साइड का अगर 1 इंच भी छोटा हो, 19 इंचेस अगर यहाँ लगाओगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतना ही छोटा होगा वो। सो इतने से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। और अगर प्रॉपर साइज़ मिल जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ये वाइपर ब्लेड्स तो मेरे कार के अंदर लग गए। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन हो गई होगी, यार ये छोटे बड़े भी लगते हैं किसी किसी कार में, तो उनका साइज़ छोटे बड़े वाला ही होता है, और इसका साइज़ 20 इंचेस वाला ही था। और ये आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, सबसे आसान तरीका, गूगल पे आप सर्च कर लेना आपकी जो भी कार है। अगर मैं इसी का बताऊँ तो मैंने सर्च करा था रेनॉल्ट डस्टर वाइपर ब्लेड साइज़, मुझे मिल गया। अगर आपके पास कोई भी कार है, कोई भी कार इन सेंस की आपके पास स्विफ्ट है या KUV है मेरी वाली भी, उसके लिए भी मैंने ऐसे ही सर्च करा था। गूगल पे सिंपली डालना है जो भी आपकी कार है उसका नाम, कंपनी का नाम, और उस पर लिखना है वाइपर ब्लेड साइज, प्रॉपर साइज़ आपको पता लग जाएगा। उस पर 20 इंचेस का लिखा हुआ था दोनों साइड में। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ है, मैंने फिर शॉप पे जाके कंफर्म करा तो उनसे भी मुझे यही पता लगा कि इसमें 20 इंचेस वाले ही लगते हैं। बट यहाँ पे मैंने अपना मड फ्लैप चेंज नहीं करा क्योंकि मेरे पास पेचकस नहीं है, तो घर पे जाके उसको मैं चेंज कर लूँगा। बाकी मैंने तो अपनी कार के अंदर वॉश के फ्रेमलेस वाइपर इंस्टॉल कर लिए, और ये वाली वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं थी, मैं परचेज कर ही लाया हूँ। अब इसके प्राइस की बात करते हैं, मुझे पड़ा कितने का, ये मुझे 800 रुपये का पड़ा, और इसकी MRP अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो 408 रुपये की है। ये देखो, तो ये मुझे 800 रुपये के मिल गए, 8 रुपये भाई ने नहीं लिए। तो जो भी है, तो ये मुझे 800 रुपये के पड़े, और मड फ्लैप मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था 300 रुपये के पड़े थे। तो मेरी कार के अंदर तो फ्रेमलेस वाइपर मैंने इंस्टॉल कर लिया। अगर अभी भी कोई क्वारीज आपके मन में बची हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।